यूथ द्वारा बारामूला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय यहाँ अमन और शांति का माहौल बना हुआ है, तो जो जितने भी धार्मिक नेताओं को जेलों में बंद किया गया है उन्हें ईद के मौके पर रिहा किया जाए और उन्हें एक बार मौका दिया जाए ताकि वह भी अमन और शांति के साथ रह सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक किया, उसमें अमेंडमेंट्स की, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया कि यहाँ पर हमने कंप्लीट इंटीग्रेशन कराई कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ, यानी कि हम इल्हाक से इंजमाम की तरफ आए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया कि ये एक नई बिगिनिंग है और हम भी इसको कबूल करते हैं कि हाँ ये एक नई बिगिनिंग है, एक नया तब से एक माहौल यहाँ पैदा हुआ है जिसमें हर तरफ अमन की फिजा हमें देखने को मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि तब से लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ओलाइव ब्रांच ऑफ पीस ऑफर की है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी अब रेसिप्रोकेट इसी मैनर में करना चाहिए। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक रियासत जो होती है उसके दो पहलू होते हैं, इसमें एक पहलू बाप की तरह सख्त और एक पहलू जो कि माँ की तरह नरम होता है। सख्त उस वक्त जब हालात खराब हों, जब आपको अमन कायम करना हो, जब आपको रूल ऑफ लॉ इम्पोज करना हो या एस्टैब्लिश पीस करना हो, उस वक्त अगर रियासत सख्ती के साथ पेश आती है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव्स आपके हासिल हो जाएं, रियासत में पीस आ चुका है, लोग पुर अमन माहौल में रह रहे हैं, हम जैसा कि हमारे पार्टी के सरबरा सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की थी कि जो भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि रियासत या रियासत की बाहर की जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, हम उसी सिलसिले में बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और खुसूसन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि इस पुरअमन माहौल को दवाम बख्शने के लिए जितने भी बारामूला के मजहबी लीडरान बंद हैं जिनमें इमाम खतीब मस्जिद बैतुल मुकर्रम मोहतरम एजाज साहब हैं उनको रिहा किया जाए। बारामूला के लोगों ने लंबे समय के बाद ईदगाह कदीम को विकसित करने वाले औकाफ इस्लामी की सराहना की है। लोगों ने ईदगाह कादिम बारामूला के सौंदर्यकरण पर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि काफी लंबे समय के बाद यहां पर इसकी साज सज्जा और सौंदर्यकरण पर सोचा गया है। कबर ही क्या?